यहाँ उपस्थित भाइयों बहनों से निवेदन करूंगी कि जो हमारे जवान पिछले दिनों शहीद हुए, उनके लिए 2 मिनट का मौन हम लोग खड़े होके उनके लिए रखें। मेरा तमाम सबसे अनुरोध है कि एक बार जहाँ इधर उधर हो तो खड़े हो जाएं, 2 मिनट का मौन हम उनके लिए रखें। सभी बैठे हैं, आज जो देश का माहौल है उसमें गुस्सा है, क्षोभ है। बावजूद इसके मैं सबसे ये निवेदन करती हूँ कि मुल्क में सौहार्दपूर्ण वातावरण बने रहे। देश पर कुर्बान हर वो नौजवान हुआ जो उस वक्त पुलवामा में ड्यूटी पर था, और 49 लोग जहां मारे गए, बहुत सारे घायल हैं। मैं उन सब जो हमारे घायल नौजवान हुए हैं उनके लिए प्रार्थना करती हूं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों और देश की सेवा करें। मैं उन माओं को, खासकर जिन्होंने ऐसे सपूतों को जन्म दिया है, उनको सैल्यूट करती हूँ कि उन्होंने, जिस माँ ने अपने पेट में से बच्चा निकाला और अपने हाथ पाला पोसा और देश के लिए इतनी छोटी छोटी उम्र में कुर्बान कर दिया, उसके लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। हमारे वे परिवार जो नौजवानों के जो शहीदी परिवार हैं, उन सबके लिए हम लोग सांत्वना दे सकते हैं, और इस गुस्से को, इस क्षोभ को हम सौहार्दपूर्ण वातावरण में सोच समझ कर मुल्क में शांति स्थापित करें। गुस्सा रहे लेकिन वो एक हद तक रहे। हमारे बीच में जितने भी नौजवान जो शहीद हुए, उनमें से कोई सिख था, कोई मुस्लिम था, कोई